तब से गरुड़ उस स्थान को बर्जन किया जाने वहां पर
कि गरुड़ के पांव पंख के ये झटके से झपट से उनका प्राण प्रथम उड़ने जा रहा था। तब कालिया आकर के संधान किया कि यही एक निरापद स्थान है, गरुड़ वहां नहीं आए, इसलिए अपने परिवार से आकर के यहाँ निवास किया। परंतु कालिया के जीवन में कभी कोई सौभाग्य तो नहीं था। उनकी पत्नियां जो थी बड़ी भक्तिमती थी, कृष्ण के प्रति परम अनुराग होते थे, और ये अनुराग ये भक्ति होने का कारण जो कि उनको लक्ष्मी जी का संग मिल गया। ऐसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, लक्ष्मी जी जब बेलवन में तपस्या करती रही तो काली पत्नियां वहां जाया करती, उनके साथ में रह करके और उनके अंदर में कृष्ण के प्रति अनुराग भावना बढ़ती चली। कालिया पत्नियां जबकि कालिया को बहुत कहती, बहुत मनाती, बहुत अन्य विनय करती कि कृष्ण भगवान है उनको मान लो, पर कालिया कभी नहीं मानता, अपने घमंड में ही रहता। फिर भी कालिया पत्नियां कभी उनको जबरदस्ती नहीं किया कुछ सुनाने पर भी, और कालिया ने कभी अपने पत्नियों से विरोध भी नहीं किया। भले ही वो भक्ति करती है, भजन करती है, ठीक है, ये कृष्ण को नहीं मानते कोई बात, तो इस प्रकार की बातें। और इससे आगे जब कृष्ण ने 20 जन को संशोधित करने के लिए सखाओं से कहा कि देखो यहाँ कभी गरुड़ ने अमृत रखा था, क्या कोटरे में अमृत है या नहीं मैं ढूंढ के आता हूँ, इसलिए तुम लोग थोड़ा दूर में रहो मैं आता हूँ, ऐसे छठरात्रि करके सखाओं को दूर हटाया और स्वयं पानी में जो कूदने जा रहे हैं सखाओं को नहीं बताया। कोई जगह कोई प्रसंग आया, सजीव गोस्वामी बात ने तो गेंद की बात कही, कहीं अमृत की बात कही, कहीं बोले हम ऊपर चढ़ करके अब कलियुग का दमन करेंगे, इस तरह से कह करके जबकि उसने छलांग लगाई और कलियुग का दमन किया। इसमें कलियुग पत्नियों ने जो जब काली का दमन हो गया, खून की उल्टी होने लगी और प्राण जाए जाए अवस्था हो गया, ऐसे समय में काली पत्नियां कहती हैं कशान भावस्त नदेव वेदवहे तवांधि रेणु स्पर्शाधिकार आर्त ब्रह्मा शिव लक्ष्मी जी जिनकी इतनी तपस्या कर रहे हो और करती हैं, उनके आपके चरण रेणु को पाने के लिए सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है, परंतु इसने कौन सा ऐसा सौभाग्य किया, कौन से जन्म में कौन सा पुण्य आचरण किया जिसके फल शरण आज आपके चरण कमल को अपने मस्तक पर प्राप्त किया, विश्वंभर हो करके आपने उनके मस्तक पर नृत्य किया, तो ये सौभाग्य किससे हुआ, केवल काली पत्नियों के संग। इसलिए गुरु जी ने कल भी कहा था कि कोई व्यक्ति भले ही वैष्णव साधु दंडधारी हो, शासन करते हो, उनका अनुशासन भी महान कृपा होती है और अनुग्रह होता है, जीवों के प्रति महान कृपा है, जैसे भगवान ने कालिया पर किया है। तो कालिया पत्नियों ने कहा कि हे प्रभु, आपने जो दंड दिया है यह उचित हुआ है, न्याय दंड ये उचित दंड दिया है, पर इस उचित दंड का फल भी इसने प्राप्त कर दिया और इसकी प्राण दान दे रहे हैं, जो कि हम इसके सहारे से हम जीते हैं जानते हैं, हम आपकी सेवा में और भक्ति में इसलिए प्राण की भिक्षा मांगी। तो यहाँ पर उनको जो संग मिला तो काली पत्नियों के संग से ही उनको भक्ति मिली और कृष्ण के प्रति उनकी भावना बन गई और भगवान ने ऐसा सौभाग्य प्रदान किया, इसलिए कहते हैं कि यह संग का प्रभाव है या तो संग का ही विशेष महत्व है। कोई भी ऐसे साधु गुरु वैष्णवों का संग करता है, वैष्णवों का अनुशासन और वैष्णवों की कृपा स्नेह दोनों ही बराबर है। जैसे नारद जी जब अर्जुन पर कृपा की और उन्हीं के कारण भगवान कृष्ण ने उनका स्वयं प्रेम के बंधन में रहकर उनका बंधन मोचन
हम अयन कर लेंगे, कृष्ण को पा लेंगे, कृष्ण ने तो हरे नाम दिया, नाम हरे नाम कर लेंगे, पर तस्मिन काल में भजन नहीं हो सकता है। जैसे कि वृंदावन में घूमने वाले बहुत से साधु ऐसे घूम रहे हैं, जो कि भागवत जी ने कहा है, जितने भी अनपढ़ व्यक्ति होते हैं और ज्ञान दुर्बल व्यक्ति हैं, जिनके पास कोई शास्त्र ज्ञान नहीं होता है, ऐसे ही लोग सब भटकते हैं और इधर उधर घूमते हैं। यदि बुद्धिमान है, विवेचक है, कैसे भी गुरु वैष्णवों का शासन स्वीकार करके उनके कृपा के लिए यदि पड़े हुए हो तो जरूर भगवान की कृपा होगी, अन्यथा संभव। इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचे कि हम अकेले भजन कर लेंगे और एकांत में रह करके भजन कर लेंगे, हमें वैष्णव संघ गोष्ठीबद्ध भजन की कोई जरूरत नहीं, इनके संजमन और इनकी सेवा की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं समझे। सबसे बड़ी भूल है जीवन की जब ऐसा समझ लेते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि कैसे भी हो गुरु वैष्णवों के संग में रह करके भजन करना है। भजन तो हमसे क्या होता है, कुछ भी नहीं, पर तो उनके कृपा रूपी जो किरण, यही कृपा किरण के द्वारा ही हम संजीवित करते हैं, अन्यथा हम कहीं अंधेरे में अंधकार में लड़ते हुए चले जाते। इसलिए कालिय की ये जो कथाएं हैं, इन्हीं कथाओं के द्वारा ये पाया जाता है कि जीवन में भजन करना एक संग ही प्रधान है। हम लोग तो छोड़ करके जाएंगे तो हमारे जीवन में सर्वनाश। प्रार्थना करो सर्वश्री भगवान की। कालियर की पत्नियों ने कहा, प्रार्थना की कृष्ण की, पहले तो कृष्ण को फेटे में बांध कर उनके हृदस्थल में काट रहा था बीच से, तब कालिय की पत्नी ने कहा कि ये मर जाए तो अच्छा है, ऐसा पति हमको नहीं चाहिए। उस समय कुछ नहीं बोले, किंतु कृष्ण के ब्रह्मांड के भार से और उनके नित्य से उसके सब फलों से वो रक्त उगलने लग गया। गुरु से भी अर्थी किया कि कोई इतना तो बलवान नहीं, हमारी पत्नियां जिनकी बात करती थी वही कृष्ण पर ब्रह्म जो नहीं है, तो वो शरणागत हो गया कृष्ण अंजीवन में। जब जब पत्नियों ने देखा कि शरणागत हो गया, तब वो प्रार्थना करने लगी कृष्ण से, प्रभु अब इसे जान से मत मारना, और इसको मारने से मामलों विधवा हो जाएगी और दूसरे सरपंच को अपनी पत्नी बना लेंगे, तब हमारा पति पत्नी धर्म नहीं रहेगा और वो भजन करने नहीं देंगे, वो आपके विरोधी होंगे। ये अंततः अब तक विरोधी नहीं है, इसलिए कृपा करते इसको छोड़। यहाँ तक तो हुआ ये काली का, किंतु सौभाग्य क्या है जो हो गया कार्य है। काली ने कौन से जन्म में कौन सा तपस्या किया था, कौन सा जप किया था, कौन सा दान किया था, किस तीर्थ में स्नान किया, जिसके फल से ऐसा सौभाग्य हुआ, वो सौभाग्य क्या था। भगवान के हृदय ने कौन ऋषि लाभ मेरे छिले नहीं, भिगुन ने लाभ मार और उसका चरण का चिन्ह अपने यहाँ पर धारण कर। लक्ष्मी जी ने तपस्या की,
उसको हृदय में दक्षिण रमावली के रूप में धारण कर, किसी के ऊपर में अपने चरण चिन्ह को नहीं दिए, अपना चरण चिन्ह कभी किसी को नहीं दिया, लक्ष्मी जी को भी नहीं, ब्रह्मा जी को भी नहीं, शिव को नहीं, किंतु कृष्ण स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान आज काव्य के ऊपर में अपना चरण चिन्ह देकर के कह रहे हैं कि काव्य अब तुम निकल करके रमणक बीच में चले जाओ, तुम्हारे ऊपर में चरण चिन्ह दिए हैं, अब करो जो उसे शत्रुता नहीं। ये तो हुआ सौभाग्य, किंतु सौभाग्य किस लिए हुआ? तुम्हारा जी ने बताया उसकी पत्नियां भक्त थी और अपने पत्नियों को बाधा नहीं देता था, कथा सुनता था किंतु पालन नहीं करता था, ये दोष और तो अपनी पत्नियों के कारण, किंतु ये भी स्मरण रखना चाहिए, विवाह एक मात्र विवाह से ना हरि भक्ति प्रजाय ब्रजमंडल में मथुरा मंडल में यदि एक रात भी निवास किया जाए तो उसे हरि भक्ति होती है। और ये कितना युग? छियानवे युग वहां पर था, तो इसको भक्ति क्यों नहीं होगी? छियानवे युग और वो भी प्रज में कहा वृंदावन में रहा, तो इसका सब भाग्य भक्ति नहीं होगी? जब तो भक्ति होगी। दूसरी बात, कृष्ण ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी से समाधि में बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप में स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मा इत्यादि को शंकर जी को कोई आदेश दे, किंतु कालियों को आदेश दिया, बोले बातचीत कर रहे, अब जाओ हमारी कृपा हो गई, हमने चरण चिन्ह दे दिया, इसलिए अब तुम लोग रमण दीप में चले जाओ, गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं देगा। और एक बात, विषयी मित्र से शत्रु यदि भगवान का भक्त हो तो उसे भक्ति हो जाए, अपना शत्रु मानता था, किंतु वो जो थे भगवत भक्त भगवान के महान नीचे परिकर थे, इसलिए वो ऊपर से शत्रुता होने पर भी कभी भी कार्य का अकल कल्याण नहीं चाहते, ये बन जाए इसका अकल्याण हो, इसलिए उनकी कृपा से ले इसके ऊपर में भगवान की कृपा हो जाए, भक्त हो जाए, क्योंकि परम भक्त है भागवत है, इसलिए काली के ऊपर में ऐसी भगवान की कृपा, इतने सब कारण है। The topic of tonight is the wives of Kaliya pray Kasangumara was Chanadevi Puramidans Sparsadikana Yadvanshe Chadalan Acharat Tapo Vihari Kamas Chirat Vidvata Vidvata Vidvata. They asked, we don't know what good activities Kaliya has performed that he could get the foot dust of the Sri Krishna upon his head, because even Lakshmi, despite performing severe austerities for a very long time, she could not get that same good fortune. There was Sri Krishna when he jumped into the place, the section of the Yamuna where Kali was living. Kali bound Krishna in his coils and continuously beat him.
At that time, the wives of Kaliya were thinking, our husband is so much against the Lord. If he died, it would be quite good. But inside Sri Krishna, there are so many universes. Therefore, Kaliya felt that weight upon his head. And he realized, this person is even stronger than Garuda. It must be that same Krishna, the absolute truth, whom I had heard about from my wives in Harikatha. Thus, he surrendered completely to Krishna. Meanwhile, at first the wives of Kali were praying for his demise, but when they saw him surrender to Krishna, they prayed, please do not kill our husband, because if our husband is dead, we will become widows. Then so many other lusty snakes will marry us by force. Then our religious principles as being chaste women will be destroyed, and other snakes will perform hindrance to bhajan. Kali was not a hindrance to their bhajan. Therefore they were wondering, what mantra did Kali chant? What donation did he give? Which holy places did he take bath? And what austerities did he perform that he would get the footdust of Krishna on his head? Other people have given their foot on Krishna, like Bhrigu Rishi. He was looking who is the most person worthy of worship. Therefore he kicked Narayan in the chest, and that footmark was on the chest of Narayan even today. Lakshmi, she always holds the feet of Sri Krishna in her lap, and she resides on the chest of Krishna in the form of a lion. But we never heard of Krishna giving his footprint upon the head or the body of anyone. Nor Shiva got that good fortune, nor did Brahma. Therefore Krishna, he put his own foot stamp on the head of Kaliya and sent him to Ganga Creek, present day Fiji. Therefore Kaliya, he heard so much Harikatha from his wives, but he was not against Krishna. Only he didn't do anything after he heard Harikatha. But residence in Vrindavan is so powerful. Hari Bhakti Prajati, even one night in Mathura Mandal, one is guaranteed devotion to Sri Hari. But Kaliya resided there for so many Divi Yugas, 96 Yugas. Therefore, that is one of the reasons why Kaliya got the mercy of Sri Krishna. He got so much mercy that Krishna actually talked with him and gave him order to go to Fiji. Therefore, Krishna had never talked with Brahma or Shiva. In fact, they only saw him in meditation, but Krishna never conversed with them. Therefore, another reason is, even though Kaliya was thinking Garuda is my enemy, actually it is not true. That Kaliya, even though he thought Garuda was my enemy, Garuda never thought that Kaliya was my enemy. Everything Garuda did was for the auspiciousness of Kaliya. Therefore, even making enmity with a devotee is a cause of devotion. Therefore, Garuda was always thinking of Kaliya's welfare. Therefore, he struck him with his wing. This was another cause of the reason why Krishna gave his footprint on the head of Kaliya. चक्रवर्ती ठाकुर गुरु का दास आज प्रजाति वैष्णव गुरु का भजन क्रिया आरंभ हुआ
साधन क्रिया माने गुरु का से क्या श्रवण करे छ शिक्षा लाभ करे छ तार मध्ये श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन इत्यादि नौ की नौथा हो ये अनुष्ठान के पुस्तक भजने मध्य श्रेष्ठ भावगीत भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महासत आनंद सब श्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लेने पाए भजने 64 की अंग 64 की अंग मध्य श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अज्ञानम वर्धनम दर्शन सत्कम आत्मनिवेदनम ए नवा कृष्ण प्रेम की तार मध्य हुआ सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरापराध नाम लेके पाए तार मध्य नाम संकीर्तन से क्या नाम और नारी अभिन्न कृष्ण और कृष्ण नाम अभिन्न एक जन्म चतुर्णाय भक्ति अंग आछे तार मध्ये महाशक्ति धर ए कृष्ण नाम ते महाप्रभु बोले छे हरे कृष्ण हरे कृष्ण की के भविष्य कृष्ण का जाति शक्ति जाति कृपा जाति सब सब गुण तंते नामे को सब करे और तेरे एका श्रेष्ठ ए भजन क्रिया जब हम अनुष्ठान हो अपन केवल जब मुझे रखते हो जहाँ श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण वैदिक भक्ति आश्रय करे करते ताले ताले ए नवधा भक्ति श्रवण कीर्तन अंदर आते आराधन का भक्त माने नौखा भक्ति अन्न रकम तार कार्तिके कुछ पार्थक्य तार मध्ये कृष्ण निपृत लीला इत्यादि श्रवण कीर्तन ए सब ए बोले जे निश्चिता अनिश्चिता भजन क्रिया निश्चिता अनिश्चिता निश्चिता भजन करताले भजन ते को शिथिलता था के चित्त प्रसन्न था के आज भजन ती के चीति हुआ कौन संभावना था के भजन ती के गिरे जावा एक ही संभावना था किंतु अनिश्चितता के भक्ति भजन क्रिया भजन शिथिलता अभी निष्ठा भय ना चित्त स्थिर भय की करबो यही करबो ना कोई को एक संशय था यही अनिश्चितता पक्षी क्रमश उत्साह में घंटा बुला बिल्कुल बताओ कर सं विषय संग्रह नियमक्षणा और पारंगण छह प्रकार एक है बोलते अनिष्ठा भजन दशा भक्ति भक्त के आर्थिक और मन उल्लिखित छह प्रकार दशा की फैया भजन मध्य शीतलता चित्त सुप्रसन्न भाई एकन उत्साह मई अंतर हरि बोल मन शिवा ज्योति करम भी देव दिस मॉर्निंग वी हर्ड last night we heard, upon taking shelter of the feet of bona fide Guru,
Then one will take the association of devotees who are Swajatya Shaisnika. That means they are affectionate to us, more advanced to us, and in the same line of bhajan. By taking this association, then one becomes determined to perform the limbs of devotion. This is called bhajana kriya. Therefore, upon hearing, taking diksha, shiksha, the process of Bhagavad Bhajan, then one undertakes the nine limbs of devotional service, like Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Acharanam, Mandalam, Vasanam, Sankirtanam, Yantaranam, Sanchas, Nam, Sankirtanam, Niraparadam, Namboi, Hayapuranam. And of these nine processes of devotional service, the topmost is Nam Sankirtan. If it's performed without offense, it can give you Krishna Pranam. Therefore, why, of the 64 limbs of devotion, the nine processes, as spoken by Sri Prahlad Maharaj, are considered the best? But of these nine, why Nam Sankirtan is prominent? Because there's no difference between Nam and Nami. There's no difference between the name and the name. Sri Krishna, his name, has no difference. In fact, the Lord has given his own unlimited potencies in the name. As Mahaprabhu spoke in Sri Shastikam, Nam Namakami Bahuryo Nirvashadva Shakas. Therefore, by practicing these nine limbs of devotion, especially Nam Sankirtan, this is called Vajna Kriya. In Vaidhi Bhakti, these nine are prominent. And in Raghunuga Bhakti, these are practiced, but the chanting of the Leelas and the qualities of Krishna are a little bit prominent. Vaidhi Bhakti and Aranta Bhakti, both are Navamita Bhakti is there, but both are not same. Vaidhi Bhakti, they are both different, and Aranta Bhakti will differ from Vaidhi Bhakti. Therefore, after Bhajana Kriya comes Nishtha Bhajan. But before that, this is also in two divisions, Nishtha Bhajan and Anishtha Bhajan. Nishtha means fixed. The mind is very happy, steady. And because the mind is very pleased doing bhajan, it doesn't waver, it is not fickle, it is fixed. And of course, anishtha bhajan is the opposite of that. Bhajan, the mind is, because not taste is there so much, the mind is not fixed, the mind is fickle and meditates always on what to do and what to not to do, and one is disturbed by so many doubts and obstacles. This anishtha bhajan is of six types. Utsahanmai, Ganatara, Yudhikalpa, Niyamaksara, Tarangarangini, and Visaya Sangara. And we'll hear an explanation of these now. In this stage, the mind is not tasting anything, therefore the mind is flickering and wobbling like a goldfish. In Vaidhi Bhakti and Raghunuga Bhakti, there is the same practice of the nine limbs of devotion, only there is a difference in mood between Vaidhi and Raghunuga. Externally, they look like the same because Vaidhi Bhakti and Raghunuga Bhakti is both performing nine limbs of devotion, only the internal mood is different. Gurudev just said it very well.
Vaidhi Bhakti that Shravan Kirtan and Smaran is performed in an ordinary sense, in a general manner. But in Raghuruga Bhakti, there's a speciality when one is specifically hearing, chanting, remembering the eightfold pastimes of Krishna, the Astakali Lila, as well as Krishna's meeting with the gopis and the cowboys. There's some speciality there in the substance to be heard, chanted, and remembered. এখন উৎসাহ পাই ভক্তি এখন গ্রন্থকাশ্য চক্রবর্তী মহোদয় দীক্ষার পরে গুরুপদাশ্রয় ইত্যাদি হওয়ার পরে সাধক যখন প্রথম ভক্তি ভজনের মধ্যে তৎপর হন তখন তাহার প্রারম্ভিক অবস্থা কিরকম এইটা বর্ণনা কিরকম হবে যেরকম ভাবে কোন ছাত্র ছোট বালক স্কুলে থেকে আর মাস্টার খুব আদর করে থাকে বসাই নয় থাকবে ভজনের
सिर्फ ज्यादा स्थायी खाते नहीं, शिक्षित जिंदगी क्या अनर्थ बढ़कर विषय चिंता आ रही है। परिणाम करते करते मन भी दुखा चले गल भजन जी का अनेक टुकड़े विषय चिंता ना तब परेशान चिंता हो गया कम समय की बात नहीं थी कि मृत्युता नहीं थी ताल में थी अनेक कष्ट करे कुछ फल करे तो कभी हमारे मंदिर खाने में एक पहाड़ में कौन हो ना कौन हो सीखना ताहते प्रारंभिक विचार कुतूहल मात्र उपाय ये हो गया कुतूहल एक जगह छात्र माने उदाहरण दिया है क्या बात करने के लिए जरा प्रथम नवीन छात्र को पूछता है अभी कौन सी पढ़ रहे हैं आप और इतने जब वो पूछता है ना गंभीर विषय तब हम काम दार एमबी ऐसे जाए छात्र किए दिलो बस कभी कभी कौन कौन शास्त्रार्थ है मर्म पूछे तो भारी आनंद उल्लास ले आज जखन कठिन विषय से जाए शास्त्रार्थ पूछते किंतु धैर्य धारण करें यदि थाके अगर कुछ दिन मन में यही अवस्था आके के गेले भजन मंदिर তারপরে বলছেন বিভিন্ন বিকল্প Thank you.
किंतु